मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इमरान सैफी, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो दिल्ली तुम्हारा कटरा एक्सप्रेसवे है, काफ़ी समय से इस पर बहुत सारी चीज़ें राजनीति पार्टियों के कारण जो है ये रुका हुआ था और बहुत सारी समस्या इसके बीच बीच में आ रही थी, लेकिन अब जो है सरकार ने ये क्लियर कर दिया है और इसकी जो DPR है वो भी तैयार हो चुकी है। उसका जो है बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो दिक्कतें वाली थी वो सारी ख़त्म कर दी गए हैं। दोस्तों ये जो दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है, ये जल्द से जल्द इसी साल इस पर स्टार्ट काम हो जाएगा। जो कार्य है वो शुरू इसी साल के लास्ट तक शुरू हो जाएगा और जो भूमि अधिग्रहण का कार्य है वो भी शुरू कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसका जो बजट है, इसका जो बजट रखा गया है वो 60,000 करोड़ रुपए का बजट है जो ये एक्सप्रेसवे तैयार होगा। दोस्तों भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का कलेक्टर नोटिफाई कर दिया है। ये जो भूमि अधिग्रहण होना है और भूमि अधिग्रहण को जो कलेक्टर है उसने इस पर मोहर लगा दी है और जल्द से जल्द जो है किसानों की जो भूमि है वो अधिग्रहण शुरू हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के बीच में कितने गांव से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इसके अंतर्गत जो आने वाले हैं वो 77 गांव शामिल होंगे, जिन किसान भाइयों की ज़मीन इसमें भूमि अधिग्रहण होगी। दोस्तों इसका जो अब बात करते हैं कि कितना हिस्सा इसका भूमि अधिग्रहण होगा और कितने कितने हिस्से में ये तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो है 170 किलोमीटर का एक हिस्सा होगा जो हरियाणा, दिल्ली से हरियाणा तक तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपका है पंजाब। पंजाब में जो है सबसे बड़ा इसके अंदर हिस्सा आने वाला है और जहां पर ये एक्सप्रेसवे तैयार होगा 300 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे पंजाब में होगा। उसके बाद आपका आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो इसका जो हिस्सा है जो तैयार किया जाएगा वो है आपका 105 किलोमीटर तैयार किया जाएगा। ये है तीन ऐसे क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण होना है और सबसे ज़्यादा जो भूमि अधिग्रहण होगा वो आपका पंजाब के अंदर होगा। तो सरकार ने इस पर सारी जो निर्णय है वो भी तैयार कर चुके हैं, सारी बातें इस पर हो चुकी है, मोहर लगा दी गई है और अब जो है किसानों का जो भूमि अधिग्रहण ओनली होना है। उसके बाद में इसमें जो है दिसंबर के लास्ट तक, इस 2020 चल रही है, इस साल के लास्ट में जो है इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और जैसे ही हमें दिल्ली अमृतसर कटरा के एक्सप्रेसवे के बारे में कोई और हमें जानकारी मिलती है तो दोस्तों हम ज़रूर आप लोगों को इसकी सूचना ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत